Hi, this is Saksham and I'm back again with another big story. आप लोगों ने RSS feed का तो नाम सुना ही होगा या YouTube पे जो common creative license होता है उसका नाम या आपने Reddit का तो नाम definitely सुना ही होगा। ये सारी चीज़ें जिसने बनाई उसने 26 साल की उम्र में सुसाइड कर लिया। कौन था वो, किसने किया इतना सारा contribution, क्यों किया उसने सुसाइड, कैसे anonymous बना, जानने के लिए देखते रहिए वीडियो, but let's roll the intro. आज हम बात करेंगे बहुत बड़े रेवोल्यूशन की, कंप्यूटर की, जो लाया था आरोन स्वार्ट्स, AARONSWARTZ, आरोन स्वार्ट्स। हम स्टार्ट करते हैं इनकी स्टोरी बचपन की लाइफ से। आरोन स्वार्ट्स बचपन से ही बहुत ज़्यादा स्मार्ट थे, उनको एलजेब्रा, नंबर्स, ये 4 से 5 साल की उम्र में ये सारी चीज़ें समझ में आने लगी। जब वो 6 साल के थे तब उन्होंने पहली बार कंप्यूटर को देखा और 7 या 8 साल की उम्र में उनके डैड ने उनको एक ऐसा गैजेट लाके दिया कि आप लिखोगे तो बोर्ड पे, बट वो डिस्प्ले होगा मॉनिटर स्क्रीन पे। तब से ही उनके घर वालों को लगा था कि हाँ, हमारा बच्चा बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। एंड इनफैक्ट तब से ही वो आरोन स्वार्ट्स की बहुत सारी क्लिप्स लेने लगे। कहाँ पे मिलेगी वो क्लिप्स, वो भी मैं आपको बताऊंगा जल्दी इस वीडियो में। बट जैसे ही उन्होंने कंप्यूटर पे ये सारे आउटपुट आते देखे तो उनको लगा कि यही फ्यूचर है, कंप्यूटर से हम वो सारी चीज़ें प्रोग्राम करके अचीव कर सकते हैं जो ह्यूमन रियल लाइफ में नहीं कर सकता। लेट्स से कैलकुलेटर, वो ह्यूमन की एक लाइफ में आके एक लिमिट आ जाती है, बट प्रोग्रामिंग की कोई लिमिट नहीं है। तो उन्होंने ये बात समझी और जब वो 10 से 11 साल के थे तब वो फुल फ्लेज्ड प्रोग्रामिंग करने लगे। कैन यू इमेजिन 10 या 11 साल की उम्र में एक फुल स्टैक डेवलपर बन रहा है कोई। उन्होंने 12 साल की उम्र में एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट दिया जिसको आप आज विकिपीडिया के नाम से जानते हैं, द info.org। उन्होंने एक ऐसी वेबसाइट खोली जो विकिपीडिया तब आया भी नहीं था, तभी उन्होंने द info.org खोल लिया था। उनका आइडिया ये था कि यहाँ पे कोई भी आके कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, कैसा भी आर्टिकल कंट्रीब्यूट कर सकता है। और उन्होंने ये प्रोजेक्ट अपने स्कूल को बताया। अब वो स्कूल को बहुत क्रिटिसाइज करते थे, वो बोलते थे मुझे ये लोग ऐसी चीज़ क्यों पढ़ाते हैं जिसमें मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, आप सब्जेक्ट्स चूज करवा दो। इनफैक्ट मैं भी इस फेवर में हूँ कि आपको 6th या 7th क्लास में आके बच्चे को एक सब्जेक्ट अलग से चूज करा देना चाहिए, जो कि इंडिया में भी 10th के बाद सब्जेक्ट ऑप्ट होते हैं। आई रियली थिंक उसकी स्केल नीचे गिरानी चाहिए और 6th या 7th में ही बच्चों को एक सब्जेक्ट ऑप्ट करा देना चाहिए और जिसके लिए वो पैशनेट है उसके बारे में वो सिर्फ पढ़े। बिकॉज 6th या 7th की हिस्ट्री में हम लोग सारे चीज़ें जो भी हमें रियल लाइफ में हमें चाहिए होती है, ये मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, ये 6th 7th तक की मुझे इनफ लगती है। बट एनीवेज, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट्स करिए नीचे। नाउ लेट्स गेट बैक टू दैट स्टोरी। उन्होंने 12 साल की उम्र में द info.org नाम का एक प्रोजेक्ट दिया स्कूल में। एंड कैन यू इमेजिन, 12 साल में उन्होंने पूरा उसका डेटाबेस बना दिया, यूजर आ सकता है, साइन इन कर सकता है, उस जमाने में सारा डेटाबेस संभाल सकते हैं उसका आरोन स्वार्ट्स। उन्होंने पूरा डेटाबेस डिजाइन किया, फ्रंट एंड डिजाइन किया और ये सारा उन्होंने अकेले ही किया। एंड जो भी हो सकता है फुल स्टैक डेवलपर, वो उन्होंने सिर्फ 12 साल के अंदर ये सब बना दिया। और उन्होंने ये प्रोजेक्ट स्कूल में दिखाया तो उन्होंने बोला कि ये प्रोजेक्ट तो बहुत ही बेकार है, कोई भी आर्टिकल लिखने के लिए, कोई भी बुक लिखने के लिए एक क्वालिफाइड पर्सनैलिटी होनी चाहिए, ऐसे कैसे कोई भी आके कुछ भी लिख देगा, कोई भी आर्टिकल लिख देगा, दिस इज नॉट द राइट थिंग। और ऐसे करके उसके स्कूल वाले ने वो प्रोजेक्ट पसंद नहीं किया। थोड़े दिनों बाद वो प्रोजेक्ट मार्केट में गया और उन्होंने वो प्रोजेक्ट बंद नहीं किया। उनकी द info.org चल रही थी काफ़ी टाइम पर और वो नेक्स्ट लेवल पर बूम कर गई थी। और फिर उसके बाद उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस प्रोजेक्ट में, बिकॉज उनके पास और भी बहुत सारे काम थे। उन्होंने ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए और वो प्रोजेक्ट के टोटली कॉन्सेप्ट में आज आप लोग विकिपीडिया देख रहे हो। कैन यू इमेजिन, जो एक बच्चे ने 12-13 साल में करके छोड़ दिया वो आज बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे बूम कर रहा है विकिपीडिया के नाम से। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे हाथ डाला। उनके आइडियाज़ बहुत ही रेवोल्यूशनरी होते थे और वो कभी भी चुप नहीं बैठते थे। उन्होंने 14 साल की उम्र में RSS फीड बनाया। RSS फीड उन्होंने पूरा XML के अंदर कोड किया। एंड RSS फीड में आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट में राइट या लेफ्ट हैंड साइड में एक RSS फीड होता है जो दूसरी वेबसाइट्स का डेटा उठा के आपको एज अ फीड देता है ना। उस टाइम पे मैशेबल और याहू बहुत ही ज़्यादा फेमस वेबसाइट्स थी तो उनके RSS फीड आते थे। बट nowadays यू कैन सी कि फेसबुक, ट्विटर, लोगों के ट्वीट्स, ये सब RSS फीड्स में आ रहे हैं। तो वो जितने फीड्स आ रहे हैं वो RSS फीड उन्होंने 14 साल की उम्र में ही सब डिज़ाइन कर दिया था। उन्होंने एक कंपनी को प्रपोज किया कि मैंने एक ऐसा टूल बनाया है जो ऐसे ऐसे करके दूसरी वेबसाइट्स के फीड्स उस वेबसाइट पे लाएगा। तो उस कंपनी को ये प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया और उन्होंने बोला कि आप कितने साल के हो, तो उन्होंने अपनी झूठी एज बता दी। उनको बोला कि मैं 21 साल का हूँ और मैंने ये सारा डिज़ाइन किया है अकेले। अब उस कंपनी ने बोला कि ये टूल तो हमें खरीदना है, तो आप मीटिंग के लिए आ जाओ,
तो आरन स्वार्ट्स उस मीटिंग में ही नहीं गए क्योंकि उनको लगता था कि यार मैं सिर्फ 14 साल का हूँ और 14 साल में मैं क्या जाके मीटिंग करूँगा, और मुझे मेरे घर वालों को भी अच्छा नहीं लगेगा कि अगर मैं कुछ भी काम मॉनेटरी पर्पज से कर रहा हूँ। उनके घर वालों ने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया स्टार्टिंग से, उनको बहुत अच्छी सीख दी। उन्होंने हमेशा ये बताया कि पैसों के पीछे नहीं, टैलेंट और अपने काम और अपने इनोवेशन के पीछे भागो। तो उनको लगा कि मेरे घर वालों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि एक तो मैंने झूठ बोला, ऊपर से मॉनेटरी पर्पज़ के लिए सब किया। तो उन्होंने इस दुनिया को फ्री में RSS फीड दे दिया। उसके बाद उन्होंने टिम बर्नर्स ली के साथ भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स में काम किए। अब कैन यू इमेजिन उनकी कम्युनिटी टिम बर्नर्स ली जैसे लोगों के साथ हो गई, एंड 14 या 15 साल का बच्चा एक बहुत ही बड़े एज वाले लोगों के साथ जिन्होंने बहुत ही बड़े इनोवेशन किए, इंटरनेट जैसी चीज़ें बनाई, इतने बड़े एज के लोग हैं, वो एक छोटा सा बच्चा उनके साथ में हर कहीं जा रहे हैं। कुछ लोगों को ये बात खटकने भी लगी, बट हमेशा ही आरन स्वार्ट्स ने प्रूव किया कि मैं बेस्ट हूँ, मेरे आइडियाज़ इतने इवॉल्व करते हैं कि मेरी एज मैटर नहीं करती। और यही बात होती है कोडर्स की, हमें फ़र्क नहीं पड़ता किसी की कास्ट से या किसी के कलर से या किसी की कंट्री से, हम सिर्फ लोगों का काम देखते हैं, हम सिर्फ कोड देखते हैं। आधे टाइम तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इंटरनेट पे ऐसे इधर उधर पास होते हैं कि लोगों को उनकी शक्ल भी नहीं पता होती है, बस उनका काम वो लोग देखते हैं। एंड यही तो बहुत ज़्यादा खूबसूरती है कोडिंग की, हमें पॉलिटिक्स वगैरह किसी भी चीज़ से मतलब नहीं होता, हमें सिर्फ काम से मतलब होता है। एनीवेज, सो लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी। जब वो 16 साल की उम्र में थे तब उन्होंने क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस दिया। उन्होंने सोचा कि मेरे इनोवेशन से एक इंटरनेट की दुनिया को मैं बहुत ही बेटर प्लेस बनाऊं, तो उन्होंने क्रिएटिव कॉमन का लाइसेंस दिया। नाउ उस टाइम पे कॉपीराइट्स की बहुत ही ज़्यादा मारामारी हो रही थी, इनफैक्ट अभी भी बहुत ज़्यादा मारामारी होती है। लोगों को पता ही नहीं लग पाता था कि ये क्रिएटिव कॉमन्स में है या ऑल राइट रिजर्व्स में है, तो बहुत सारे कॉपीराइट केसेस लोगों को फेस करने पड़ते थे। पर उसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसी चीज़ें भी इनोवेट करते हैं जिसको वो फ्री में डोनेट कर देते हैं और वो चाहते हैं वो लोगों को यूज़ करें, तो ये डिफ्रेंशिएट कैसे करें कि हम किसी की चीज़ यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो फिर उन्होंने एक CC नाम का लॉ निकाला, दैट इज़ कॉल्ड एज क्रिएटिव कॉमन्स। उसमें दो पॉइंट उन्होंने रखे। पहली बात, अगर आप इसे कॉमर्शियल पर्पज़ में यूज़ लोगे तो आप ये फ्री में नहीं ले सकते, आप इसे कुछ पैसे दे के बाय कर लो। सेकेंड पॉइंट उन्होंने निकाला कि अगर आप हमारा प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो आपको हमारे एट्रीब्यूशन देने पड़ेंगे। तो ये दो पॉइंट उसने रखे एंड क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के नाम से उन्होंने एक लॉ निकाला। नाउ कैन यू इमेजिन एक 16 साल का बच्चा इंटरनेट के लॉ लिख रहा है और इस इंटरनेट की दुनिया को एक बहुत ही बेटर प्लेस बना रहा है। कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया ये लॉ, बट लेटर ऑन फ्लिकर ने प्रूव किया। फ्लिकर पे आप देखते हो कि बहुत सारी फोटोज आती है अंडर क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस, यानी आपको एट्रीब्यूशन देना होता है, और बहुत ही बड़ी फ्लिकर की लाइब्रेरी बन चुकी है आज की डेट में। तो वो उस टाइम पे फ्लिकर एक नाम की वेबसाइट आई जिसने इस लॉ के साथ बहुत अच्छे से खेला और बहुत ही ज्यादा बिजनेस किया। रातों रात इस लॉ की वजह से फ्लिकर वेबसाइट नेक्स्ट लेवल पे चल गई और आज तो हम देखते हैं कि यूट्यूब तक ने भी क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस अपना लिया है। तो बहुत ही अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशन थे उनके इंटरनेट को एक बहुत ही अच्छी जगह बनाने के लिए। उसके बाद उन्होंने एक इन्फोगामी नाम का प्रोजेक्ट रिलीज किया जिसमें उन्होंने ये बताया कि किसी को भी वेबसाइट बनानी है तो कोड करने की जरूरत नहीं है, वो ड्रैग एंड ड्रॉप या कोई बहुत सारे बटन्स वगैरह ये सब दबा के जो इनबिल्ट फीचर है वेबसाइट के, उनसे आप एक वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो। जो कि उनका प्रोजेक्ट ज़्यादा चला नहीं, बट उस प्रोजेक्ट के आइडिया पे आप देख रहे हो आज बहुत सारे फ्रेमवर्क बन गए हैं जैसे विक्स, वर्डप्रेस, एंड सिर्फ एक उस आइडिया की वजह से आज ये लोग नेक्स्ट लेवल पे बूम कर रहे हैं। बट एनीवेज, इन्फोगामी उनका चला नहीं तो उनके दिमाग में फिर से एक नेक्स्ट प्रोडक्ट आया जिसको उन्होंने बोला रेडिट। नाउ रेडिट आज बहुत ही ज़्यादा फेमस है, एंड कैन यू इमेजिन एक 20 साल के बच्चे ने रेडिट नाम का प्रोडक्ट बना दिया, एंड रेडिट इतना ज़्यादा फेमस हुआ और वहाँ पे उसने सबसे ज़्यादा ध्यान रखा फ्रीडम का, यानी वहाँ पे कोई कॉपीराइट क्लेम्स नहीं आएंगे, आप अपनी कोई भी एक्सक्लूसिव पिक्चर्स, वीडियोज़ या पोस्ट या कुछ भी डाल सकते हो, जो भी आपके दिल में है, जो भी आपके दिमाग में है, वहाँ पे आप वो सारी चीज़ें शेयर कर सकते हो। तो धीरे धीरे रेडिट बहुत ही ज़्यादा बूम होने लगा, सारी सेलिब्रिटीज़ रेडिट पे आने लगी और उन्होंने बहुत ही मिलियन डॉलर का बिजनेस किया रेडिट से। और उनके घर वाले बस यही बोल रहे थे कि हमने तो अपनी जॉब्स भी छोड़ दिए, पता नहीं बस ये लड़का इंटरनेट पे कुछ ना कुछ करता है और बहुत सारे पैसे आ जाते हैं और हम बस इसका पैसा मैनेज कर रहे हैं। वो तीन भाई थे और सभी लोग उसका पैसा मैनेज करने लग गए और उनकी थिंकिंग बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ थी। उन्होंने बोला कि मेरी जितनी नीड है उतना ही मैं करूँगा, मुझे एक कमरे की ज़रूरत है, मैं सिर्फ एक कमरे का ही एक्सपेंस दूंगा, मुझे सिर्फ टी शर्ट और जीन्स चाहिए तो मैं स्टाइल मारने के लिए सूट या ये सारे एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं बढ़ाऊंगा। तो वो बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ थे, अपनी ज़रूरतें भी बहुत ही ज़्यादा कम रखते थे, बट उनका सिर्फ एक ही एम था कि वो बुरे पार्ट को और अच्छे पार्ट को, लोगों का दोनों पार्ट सोचे और उनको सेम लेवल पे लेके आए ताकि एक इंटरनेट बहुत ही अच्छी प्लेस बन सके। उसके बाद उन्होंने जो नेक्स्ट चीज़ करी, उन्होंने उनकी दुनिया बदल दी। एक बहुत ही बड़ा स्कैम चल रहा है, शायद मैं इसे स्कैम बोलूँ या नहीं बोलूँ मुझे नहीं पता,
बट MIT के अंदर लोग रिसर्च पेपर सबमिट करते हैं बहुत सारे, एंड MIT चाहे रिसर्च पेपर सबमिट करो या ना करो, किसी को भी उसका रिसर्च पेपर का एक्सेस नहीं मिलता है जब तक आप MIT को पैसे नहीं देते हो। तो बहुत सारे कॉलेजेस आज भी अगर आपको रिसर्च पेपर सबमिट करने हैं PhD के लिए, तो सब सोचते हैं कि हाँ मैं MIT में रिसर्च पेपर सबमिट करूँ, बट MIT से रिसर्च पेपर पढ़ूँ भी तो उसके लिए पूरी दुनिया में सब लोग MIT को पैसा देते हैं और फिर उससे उनको रिसर्च पेपर स्टडी करने को मिलता है। कभी कभार ऐसे भी केसेस हो जाते हैं, इनफैक्ट 90% ऑफ टाइम यही केस होता है कि बहुत सारी ऐसी रिसर्च है जो ऑलरेडी हो चुकी है पर वो अब आपके दिमाग में आई और आप वो रिसर्च कर रहे हो, यानी आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। बट उस रिसर्च पेपर का एक्सेस अगर सबको मिला होता तो आपने वो रिसर्च ऑलरेडी पढ़ी होती थी और आपने जहां तक रिसर्च कर ली उसको आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते। कैन यू इमेजिन इंसान का कितना ज्यादा भला हो सकता था और कितना ज्यादा टाइम बच सकता था इस कॉन्सेप्ट से। बट नहीं, MIT को तो मॉनेटरी पर्पज के लिए करना था सब कुछ, एंड लोगों से वो काम करा रहा है, लोगों की चीज ले रहा है, बट पैसा MIT चार्ज कर रहा है, दैट इज नॉट एट ऑल अ लेजिट थिंग। तो आरोन स्वार्ट्स ने उन्होंने इस बारे में लड़े और उन्होंने बोला कि इसका एक्सेस सबको मिलना चाहिए, ये लोगों की मेहनत है और इससे इंसान का भला होगा, बट MIT ने ये बात नहीं मानी। तो आरोन स्वार्ट्स ने MIT को कुछ पैसा दिया, जो भी उनका पैकेज था उन्होंने उनका पैकेज खरीदा और फिर उसके बाद उन्होंने पाइथन की एक ऐसी स्क्रिप्ट डिज़ाइन करी जिससे उन्होंने सारे MIT के पेपर डाउनलोड करने लगे। उनको लगा कि मैं रिलीज़ कर दूंगा, MIT रिलीज़ करे ना करे मैं सबके पेपर पब्लिकली ही रिलीज़ करूंगा और एक ओपन लाइब्रेरी बनाऊंगा। तो MIT के पास बहुत ही अनयूजुअल ट्रैफिक आने लगा, तो उन्होंने ट्रैफिक एनालिसिस किया तो फिर उनको पता लगा कि आरोन स्वार्ट्स सारे पेपर्स डाउनलोड कर रहे हैं, यानी आरोन स्वार्ट्स की जो IP एड्रेस थी वो सारे पेपर्स सडनली डाउनलोड करने लग गए, जो कि प्रोहिबिटेड था। MIT से आप सिर्फ रिसर्च पेपर पढ़ सकते हो, डाउनलोड नहीं कर सकते। तो ऐसे करके वो सारे पेपर्स धीरे धीरे डाउनलोड करने लगे और उन्होंने आरोन स्वार्ट्स की IP ब्लॉक कर दी। और फिर हुआ बहुत बड़ा काम जिससे आरोन स्वार्ट्स लिटरली बहुत ही ज्यादा डरने लग गए। उनके घर पे कॉल गया FBI का और FBI के कॉल के बाद उनके घर वालों को पहले कॉल किया, FBI उनके अगल बगल घूमती रही, स्पाई करती रही। उनके भाइयों को भी बहुत ज्यादा डर लगने लगा कि हाँ FBI आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। और FBI ने ये बात ऊपर से रफा दफा कर दी बिकॉज आरोन स्वार्ट्स बहुत ही अच्छा आदमी था और उनका काफी ज्यादा नाम था और वो सबके चहेता थे। और ये बात ऊपर से रफा दफा हो गई, फिर भी आरोन स्वार्ट्स के दिल में ये बात लगती थी। वो एक कमरे में बैठ के बस रोता रहता था कि इंसान का बहुत ही ज्यादा बुरा हो रहा है, रिसर्च अटक रही है, नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रहा है इंसान, क्योंकि रिसर्च तो हो ही नहीं रही है कुछ भी। तो उनको ये बात बहुत ही ज्यादा दिल में चुभने लग रही थी डेली। तो उन्होंने क्या किया कि इस बार MIT से वो डरे ही नहीं, उन्होंने स्टोरेज में गए, वो MIT के यानी बेसमेंट में गए जहाँ पे सारी हार्ड डिस्क वगैरह होती है और सर्वर्स वगैरह होते हैं, और उन्होंने वहाँ पे जाके अपने लैपटॉप्स और हार्ड डिस्क वो उनके स्टोरेज में जाकर के लगा करके आ गए और सारी फाइल सारे रिसर्च पेपर एक एक करके कॉपी करने लगे। नाउ दिस इज नॉट अ राइट वे टू डू सच थिंग्स। फिर उसके बाद MIT के कुछ लोगों ने वहाँ पे देखा, उन्होंने देखा ये लैपटॉप किसका रखा हुआ है, ये हार्ड डिस्क किसकी रखी हुई इतनी सारी, और ये कॉपी कौन कर रहा है चीजें। बहुत स्मार्टली खेला MIT ने। MIT ने वो चीजें छेड़ने की बजाय उन्होंने वहाँ पे CCTV कैमराज इंस्टॉल करा दिए। उनको पता था जो ये काम कर रहा है वो अपना हार्ड डिस्क और लैपटॉप तो लेने आएगा, और हम कुछ बोले या किसी पे ब्लेम लगाए इससे पहले हमें प्रूफ चाहिए इन चीज़ों का। तो मैं अब आपको वो क्लिप दिखाता हूँ जिसमें आरोन स्वार्ट्स देखिए अंदर जा रहे हैं और उसके बाद वो 5 मिनट के लिए नीचे झुके हैं, फिर उन्होंने सारी हार्ड डिस्क वगैरह निकाली वहां से, नई हार्ड डिस्क लगाई और उन्होंने बैग पैक किया और वो वहां से निकल गए। तो दिस इज डेफिनेटली अ क्राइम, आप किसी का डेटा चुरा रहे हो, बट इतना भी बड़ा क्राइम नहीं कि आपने किसी की जिंदगी ले ली। MIT को ये सारे प्रूफ मिल गए कि हाँ ये सारा डेटा आरोन स्वार्ट्स चुरा रहे हैं, और फिर उन्होंने ये रहा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट और केस दर्ज किया। नाउ इस केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये थी कि स्टार्टिंग में 6 की धारा लगी थी आरोन स्वार्ट्स को, और लेटर ऑन आरोन स्वार्ट्स से इतने ज़्यादा खुन्नस में आ गई थी MIT बिकॉज रेवोल्यूशन सा आ रहा था, सब लोगों को पता लग गया था कि MIT क्या कर रहा है, लोग प्रोटेस्ट करने लग गए थे, लोग सड़कों पर उतर गए थे, तो फिर MIT की ये इमेज पर बात आ गई थी। तो MIT ने और लॉयर्स हायर किए और उन्होंने 6 धारा की जगह उनके ऊपर 13 धारा लगा दी और बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्राइम बना दिया इसको। एंड सबको पता है MIT का US गवर्नमेंट में कितना बड़ा होल्ड है एंड कोर्ट वगैरह में कितना बड़ा होल्ड है, तो जो यूजुअल सजा मिलनी चाहिए थी आरोन स्वार्ट्स को उससे कहीं ज्यादा उनको सजा मिली। उनको $1 million का फाइन पे करने को बोला गया एंड 35 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब इतनी ज्यादा सजा तो एक टेररिस्ट को भी नहीं मिलती, एक मर्डर कर देता है कोई उसको भी नहीं मिलती। बट जस्ट बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ MIT ने
बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज करके उनको ये सब करवाया। अब आयरन स्वर्ड्स ने सोचा कि मैं 25 साल का तो हो ही गया हूँ एंड मेरे बहुत सारे पैसे लिटरली मैं बैंकक्रप्ट ही हो गया हूँ। जजेस के पैसे बढ़ते बढ़ते, उन्होंने जो भी अटर्नी वगैरह हायर करी उनके पैसे पे करते 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 मैं बहुत ज़्यादा क्राइसिस में आ गया हूँ, और फिर उसके बाद ऊपर से $1 million का फाइन, और फिर उसके बाद 35 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, यानी उनकी तो पूरी लाइफ ही निकल गई। 25 साल फिर 35 साल और वो कंप्यूटर से दूर रहेंगे तो अब तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो हाँ, मैं मानता हूँ ये डिप्रेशन का फेस उनके पास आया एंड उन्होंने सुसाइड कर लिया। नाउ आयरन स्वॉर्ड्स सबके चहेते थे, वो टिम बर्नर्स ली के बगल में होते थे, वो सब बड़े रेवोल्यूशनरी लोगों के साथ होते थे, और एक दिन उनको पता चला कि आयरन स्वॉर्ड्स अब इस दुनिया में ही नहीं है। उन्होंने इतने बड़े बड़े जो कंट्रीब्यूशन किए इस दुनिया में, अब वो आयरन स्वॉर्ड्स के नहीं आने वाले हैं, और वो इंटरनेट के लिटरली ओन बॉय ही थे। एंड प्रोटेस्ट वगैरह तो पहले से हो ही रहे थे MIT के लिए, अब इस टाइम तो लोग बहुत ही ज़्यादा भड़क गए। एंड वो फेस था जब सारी चीज़ें अमेरिका से उलटने लगी, एंड वो दिन था जिस दिन अनॉनिमस का ग्रुप बना, और अनॉनिमस के ग्रुप का एजेंडा आज भी आयरन स्वॉर्ड्स के जैसा ही रहा है। बहुत सारे लोगों ने फॉल्स पब्लिसिटी ली है अनॉनिमस से, बट अगेन उनका एजेंडा वही है जो आयरन स्वॉर्ड्स का है, यानी वो फ्रीडम लेना चाहते हैं। बट मैं कहीं ना कहीं अनॉनिमस का अपोज भी करता हूँ, क्योंकि उनके तरीके इलीगल होते हैं, बट उनका एजेंडा सिर्फ एक ही रहता है कि जो भी बुरा काम करेगा या जिसको भी फ्रीडम चाहिए, वहाँ पे अनॉनिमस आके उनको सबक सिखा के जाएगा। तो वो दिन था जिस दिन अनॉनिमस बना, और उस दिन के बाद से ही सारी रेवोल्यूशनरी चीज़ें चालू हो गई। विकीलीक्स लॉन्च हो गया, और वहाँ पे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के सीक्रेट्स बाहर आने लगे एंड लोगों की असलियत सामने आने लगी। तो वो रेवोल्यूशनराइज दिन अमेरिका आज भी याद करता है, जिसकी वजह से अभी तक उनको बहुत सारे डैमेजेस हो रहे हैं। एंड अनॉनिमस का तो हमें पता ही है, दुनिया में कौन अनॉनिमस से डरता नहीं है। तो आप क्या सोचते हो इसके बारे में? क्या अमेरिका को ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए थे, ऐसी सज़ा करवानी चाहिए थी आयरन स्वॉर्ड्स को या नहीं? मैं ये जानना चाहूँगा कमेंट्स में। एंड और ऐसी स्टोरीज सुनने के लिए सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाई लर्नकोडऑनलाइन.in, इंडियाज़ फाइनेस्ट ऑनलाइन लर्निंग लाइब्रेरी।